नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज़। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑस्कर 2025 के लिए भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में किरण राव द्वारा निर्देशित लापता लेडीज फिल्म को सबमिट किया है। इसी बीच इंस्टाग्राम पर स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म के निर्माताओं ने ये पोस्टर शेयर किया, जिस पर लिखा है, ऑफिशियली सबमिटेड फॉर द ऑस्कर, थैंक यू फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर दिस रिमार्केबल अप्रिशिएशन। कैप्शन में स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म को ऑस्कर के लिए पेश करने की बात लिखी है, साथ ही फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया को धन्यवाद भी दिया गया है। रणदीप हुड्डा के निर्देशन में बनी ये पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका भी निभाई है। गौर करने वाली बात ये है कि पोस्टर में ऑस्कर 2024 लिखा है, जबकि ऑस्कर 2024 का आयोजन इस साल मार्च महीने में ही हो चुका था, जिसमें यूनाइटेड किंगडम की द जोन ऑफ इंटरेस्ट फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में अवार्ड जीता था। ध्यान दें कि अकादमी पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में हर देश सिर्फ एक ही फिल्म का चुनाव कर सकता है और इसका चयन एक अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन करता है। भारत में ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्म पेश करनी है, इसका चयन फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया करती है और ऑस्कर 2025 के लिए किरण राव द्वारा निर्देशित लापता लेडीज फिल्म को चुना गया है। मीडिया से बात करते हुए FFI अध्यक्ष रवि कोट्टाकारा ने बताया कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया स्वतंत्र वीर सावर के निर्माताओं द्वारा की गई घोषणा में शामिल नहीं था। वहीं इंडिया टुडे से बात करते हुए FFI अध्यक्ष ने बताया, कोई भी अपनी फिल्में स्वतंत्र रूप से अकादमी में पेश कर सकता है। फिल्म निर्माताओं के लिए ऐसा करने का प्रावधान है, हालांकि इसका फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं है। हमने पहले ही एक बयान जारी कर अपनी पसंद की घोषणा कर दी है। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की ओर से लापता लेडीज फिल्म को सबमिट करने का फैसला फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत की गई प्रक्रिया के बाद लिया था। इस साल 29 फिल्में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास गई थी, जिसमें स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म भी शामिल थी। तो जैसा कि आपने देखा, ऑस्कर 2025 के लिए भारत की ओर से ऑफिशियल रूप से लापता लेडीज फिल्म को चुना गया है, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म के निर्देशकों ने झूठे रूप से ये दावा प्रचारित किया कि उनकी फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए चुना गया है।